हिंदू धर्म की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बद्रीनाथ धाम में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। उत्तराखंड स्थित मंदिर में दो पक्षों के बीच में झड़प के बाद गोलियां चली है। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन कर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बीते दिन बद्रीनाथ धाम के एक व्यवसायी ने एक अन्य व्यवसायी को उनके घर में घुसकर भाई को जान से मारने और फायरिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर कोतवाली बद्रीनाथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद एसपी रेखा यादव ने बद्रीनाथ के स्थानीय व्यापारियों, होटल संचालकों के पास लाइसेंसी शस्त्रों को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अगर जो घटना यहाँ कारित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, साथ ही जो इस घटना के संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चूंकि घटना से कहीं ना कहीं एक भय का माहौल व्याप्त होने की आशंका थी, बट ऐसी कोई संभावना यहाँ नहीं है। सभी यात्रा सकुशल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसको लेकर के किसी तरह की कोई दुविधा मन में ना रखें। जो घटना हुई है उस पर हम लोग अपने स्तर से लीगल कार्रवाई जो हमारी तरफ से अपेक्षित है वो की जा रही है।